आज जो नाम हमारे साथ जुड़ा है वो एक बहुत ही अपने आप में बड़ा नाम है। इनके कद पर मत जाइए, इनकी शक्ल पे मत जाइए, क्योंकि इतनी गहराई से लिखना कोई मामूली बात नहीं है। आज के हमारे गेस्ट हैं देहरादून के दीपक रमोला जी, जो कि एक बेहतरीन लेखक हैं, अभिनेता हैं, टीचर हैं और गीतकार हैं। इनका सबसे बड़ा शौक़ है लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और ज़िंदगी के छोटे छोटे सबक जुटाना। उन्होंने साल 2009 में प्रोजेक्ट फ्यूल की शुरुआत की। इसके ज़रिए दुनिया भर के अलग अलग लोगों से जीवन के सबक इकट्ठे किए और उन्हें वर्कशॉप सेमिनार की मदद से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। दीपक ने वर्कशॉप की मदद से अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी उन्हें पढ़ा चुके हैं। दीपक जी को प्रोजेक्ट फ्यूल का आइडिया अपनी माँ से मिला। वो ज़िंदगी से मिले सबकों को किताब के रूप में भी दुनिया के सामने पेश कर सकते थे, पर इन्होंने जो रास्ता चुना वह था कविता का, थिएटर का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। और आज दीपक से बातचीत करेंगे हमारे जयपुर के भव्य सोनी जी। भव्य सोनी जी भी एक युवा लेखक हैं, युवा कवि हैं, एक मॉडरेटर के रूप में भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, परफॉर्मिंग आर्ट से भी आपका ताल्लुक है। स्वागत है आप सभी का कलम की इस श्रृंखला में। नीरज जी ने कहा है होना सौभाग्य। सो ऐसे ही एक सौभाग्यशाली व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं। हिंदी के दो और खूबसूरत शब्द हैं, एक है व्यक्त यानी एक्सप्रेशन, और मुझे लगता है कि उसी लफ्ज से एक और लफ्ज बना है व्यक्ति। हर व्यक्ति अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। और हिंदी के दो और शब्द हैं दृश्य और दर्शन। दृश्य वो जो मुझे नजर आ रहा है, और दर्शन वो जो नज़र आ रहा है उसमें जो नहीं नज़र आ रहा है उसे देख लेना दर्शन है। और कवि वो व्यक्ति है जो दर्शन की अभिव्यक्ति कर सकता है। और ऐसे ही दीपक रमोला हमारे साथ हैं, हम आगे की बातचीत उनसे शुरू करते हैं। दीपक, कैसे ये पोइट्री से जुड़ाव हुआ, कैसे ये पोइट्री का सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सादर प्रणाम और नमस्कार मेरा आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना वक्त निकाल कर कलम की संध्या में हमसे जुड़े। आपने मेरे जवाब का आधा जो हिस्सा है वो तो पूरा कर दिया। व्यक्ति और मुझे लगता है उसके साथ एक और शब्द है, वो है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व जो है वो सबसे अहम कड़ी है एक कवि या एक लेखक होने की, क्योंकि आपको कई किरदार निभाने होते हैं। जब आप किसी समाज या किसी एक ऐसे इंसान को जहन में लेकर लिख रहे हैं जिसका व्यक्तित्व आपसे बहुत अलग है, पर आप पर जिम्मेदारी है उसकी बात उतनी ही सच्चाई से कहने की जितनी सच्चाई से आप अपनी कहानी कहेंगे, तो मेरे लिए वो व्यक्तित्व की कड़ी उस श्रृंखला में जुड़ जाती है और बहुत अहम हो जाती है। मेरे लिए पोइट्री का सिलसिला जो है वो एक्चुअली शुरू हुआ स्कूल में। हम एक दौर में जब वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट्स हुआ करते थे स्कूल में, तो एक बहुत ट्रेंड था जिसे कहते हैं कि आप अपने वाद विवाद प्रतियोगिता को किसी कवि की चार पंक्तियों से शुरू करेंगे। अब हमने कोशिश तो बहुत की उसे अपना एक वो बनाने की कि हमारा स्टाइल हो। एक मर्तबा मुझे याद है क्लास सेवेंथ में जो शीर्षक था वाद विवाद प्रतियोगिता का वो था उत्तराखंड में बिजली उत्पादन। अच्छा। अब बहुत मुश्किल है किसी कवि का
इतनी स्पेसिफिक थीम पे लिखना कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन कैसे हुआ और क्या है. तो मैं अपनी हिंदी टीचर जो हैं श्रीमती श्रद्धा बख्शी, उनके पास गया और उनसे कहा कि बताइए मुझे किसी कवि ने लिखा हो. तो उन्होंने कहा कि तुम खुद ट्राई कर लो, चार लाइन है तो लिखनी है. तो जहाँ मैंने चार लिखी और उनके पास मैं लौटा, तो उन्होंने कहा अब चार लिख ली हैं तो अब आठ लिखो, और आठ के बाद तब तक मत रुकना जब तक बात ख़त्म या पूरी ना हो जाए. तो मैं काफ़ी बड़ा श्रेय उनको देता हूँ कि उनके विश्वास ने और कहीं ना कहीं उनकी समझ ने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए. और तब से कोशिश जारी है अच्छा लिखने की, लगातार लिखने की. जिस तरीके की जनरेशन में हम हैं, हमें जनरली डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन का लेबल दिया जाता है कि हम, हमारा अटेंशन स्पैन 2 सेकंड्स का है, 3 सेकंड्स का है. तो स्क्रोलिंग के ज़माने में पन्ने पलटना और पढ़ना तफ्तीश से, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बचपन में उसकी जड़ें मुझे नज़र आती हैं. जी, क्योंकि आप बात को बचपन तक लेके गए, तो कोई ऐसी पहली कविता जो आपने बचपन में पढ़ी हो और जिसने आपको फिर कविता से जोड़ दिया हो, ऐसी कोई कविता याद आती है? काफ़ी सारे हिस्से हैं अलग अलग कविताओं के, बट एक जो मुझे याद है, स्कूल के टाइम पर याद की थी और आज तक मैं जब भी किसी बड़ी मुश्किल के सामने होता हूँ या किसी बड़े मंच पर होता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और डर को कम करने की कोशिश करता हूँ, तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत सुंदर कविता है कि हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन मैं बारम्बार लड़ा हूँ फिर उठ उठ कर. इससे मेरा गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपना जीवन इस तरह सवारा. और इसकी दूसरी अभिव्यक्ति है कि डूबा हूँ हर रोज किनारों तक आ आकर, मैं डूबा हूँ हर रोज किनारों तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर. इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी. तो ये एक जो कड़ी है मुझे बहुत, वो बहुत सुंदर लगती है ये जो कविता है. जी जी, और अब हम, क्योंकि आप कविता के अलावा भी अब आप बॉलीवुड के लिए भी गाने लिख रहे हैं, वज़ीर पिक्चर में आपने लिखा, मांझी के लिए आपने लिखा, तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये बॉलीवुड से जुड़ के लिखना कैसे अलग है और वहाँ से क्या आपके टेकअवेज रहे? फिल्मी गीतों की जो रचना है, मुझे लगता है अच्छे गीत और अच्छी कविता दोनों एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो है अच्छा लेखन. अगर हम अच्छे गीतों और अच्छी कविता की बात करें, पर फिल्मों के लिए जहाँ बात बदलती है वो ये है कि जैसे अगर नज़में हैं तो ये आप अपने लिए लिख रहे हैं या आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए लिख रहे हैं. फिल्मी गीतों की रचना एक किरदार के लिए होती है, उस किरदार की पृष्ठभूमि के लिए होती है, वो किरदार क्या कहना चाहता है, उसकी बोली भाषा क्या है. तो अक्सर जब मैं फिल्मों के गीत लिखता हूँ तो पहला सवाल होता है कि ये फिल्म कहाँ है, ये बिहार में है या ये उत्तर प्रदेश में है या ये चंडीगढ़ में बेस्ड है या ये कहीं साउथ की फिल्म है, क्योंकि फिर आप वहीं से शब्द उठाते हैं, फिर आप उस किरदार की सोच को समझने की और परखने की कोशिश करते हैं और फिर गाना पिरोते हैं. पर क्योंकि इतने महान और दिग्गज लोग हमारे साथ हैं, मैं अपना ट्रेड सीक्रेट आपके साथ बांटूंगा. बहुत कम होता है दुनिया में कि आप गीत लिखना सीख सकें. आप बजाना सीख सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, आप वोकल ट्रेनिंग ले सकते हैं गाने के लिए, पर एक धुन में शब्दों को पिरोने का कोई स्कूल नहीं है. तो जब मैं स्कूल जाया करता था बस में, तो मेरे घर से बस स्कूल तक का सफ़र बस में 1.5 घंटे का था, और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब रेडियो पर गाना जो बजता था, मैं वो गाना चुरा कर अपने कान बंद करके धुन लेकर उसके शब्द हटाकर अपने शब्द डालता था. तो वो मेरी ट्रेनिंग हो गई. पता नहीं था कि फिल्मों में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा. देहरादून में जब आप एक छोटे शहर में बड़े होते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, तो ये जो सब फील्ड्स ऑफ वर्क होते हैं, एक्टिंग, पोएट्री, थिएटर, बहुत एक फार फेच ड्रीम है, एक बहुत दूर का अनुभव है जो आप महसूस करना चाहते हैं. तो एक उदाहरण के रूप में जैसे गाना है पहला नशा. जी, मुझे याद है 11th क्लास में मैं स्कूल बस में बैठा था और गीत था पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार तू ही बता. अब आप इसके अगर शब्द हटा दें तो आपको मिलती है धुन, क्योंकि आपके पास ना तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना बैंड है जो आपके लिए कंपोज करेगा. तो ये मैं कहता हूँ गरीबों की बासमती.
है ये गीतकार बनने के लिए. तो धुन है तररा ररा तररा ररा तररा ररा तररा ररा तररा ररा ररा तररा. तो 11th क्लास में स्कूल जाते हुए मैंने लिखा, दिल ने कहा दिल ने सुना, जो था कहा आसान कहा, कह के भी जो ना सुना और सुन के जो ना कहा, मेरे खुदा. क्या बात है. और जब पहली फिल्म मिली जी, माझी द माउंटेन मैन, जो कि आधारित है एक ऐसे शख्स पर, दशरथ माझी, जिन्होंने 22 साल छैनी और हथौड़ी से असल जिंदगी में अपनी प्रियता के लिए पहाड़ तोड़ा गहलूर में, बिहार में. तो केतन मेहता जी जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे फिल्म के, उनका पहला सवाल था मुझसे कि आप ये लिख पाएंगे 19 साल की उम्र में, मेरे किरदार ने 22 साल प्रेम करके पहाड़ तोड़ा है, आपने सच्चा प्यार भी किया है 19 की उम्र तक? पर क्योंकि जब धुन मुझे दी गई, मुझे लगा कि ये तो वही है, स्कूल बस में बैठना है, आंखें बंद करनी है और शब्द पिरोने. तो अब वो फिल्म के लिए हो या किसी किरदार के लिए हो जो इतना पॉपुलर है, इतना मंझा हुआ है, तो इन तरीकों से मैंने अपने आप को सिखाया. और आज भी जब मुझसे कोई पूछता है कि गीत कैसे लिखते हैं और या हम किसके साथ जुड़ें, तो मैं उनसे कहता हूँ, जो भी तुम्हारा पसंदीदा गाना है उसे सुनो, उसके शब्द हटाओ और अपने शब्द डालो और फिर लोगों को सुनाओ. और अगर वो उसी फ्लो में, वो उसी चाह के साथ उस गीत को सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं. तो कुछ इस तरीके नुस्खे अपने लिए. वाह, आज हम शायद हम सब घर जाके कोशिश करेंगे अपने अपने पसंदीदा गीत के लफ्ज बदलने की. एक और बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट जो आपकी जिंदगी का है, फ्यूल जी, उसके बारे में हम और जानना चाहेंगे जी. क्यों शुरुआत हुई, अब वो क्या कर रहा है, आगे आप उसको कैसे देख रहे हैं जी, फ्यूल के बारे में थोड़ा और बताइए. प्रोजेक्ट फ्यूल एक ऐसी परियोजना का नाम है जिसे मैंने आज से 10 साल पहले शुरू किया. 17 साल की उम्र में मेरी माता जी जो हैं, उन्हें स्कूल में 5वीं क्लास से निकाल दिया गया था. उनकी दादी जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो लड़कों के साथ पढ़ें या पढ़ें. और जब मैं बड़ा हो रहा था तो घर में अक्सर माँ मुझसे और दीदी से कहती कि तुम मन लगा के पढ़ो, क्योंकि मुझे कभी किताबों का सुख नहीं मिला. और मुझे इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप मेरी माता जी से मिलेंगे तो दुनिया की सबसे मतलब जिसे कहते हैं ह्यूमरस और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मेरी माता जी. मेरे पिताजी पता नहीं कैसे कोप कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास कमबैक होता है, ना तो उनके पास एक अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है जब दोनों का झगड़ा होता है. मेरी मदर जो हैं वो हमेशा जीतती हैं. तो ऐसा लगता है कि ये डिबेटिंग में मास्टर्स की डिग्री इन्होंने ली हुई है. और जब मैं बड़ा हो रहा था तो अक्सर जब उनसे इस बात का सवाल करता तो वो एक ही जवाब कहती कि मैं तो जिंदगी से सीख रही हूँ, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं तो ज़िंदगी से सीख रही हूँ. और 14 साल की उम्र से वो बात सुनते सुनते मुझे ये लगा कि अगर ये ज़िंदगी से सीख रही हैं, इसका मतलब दुनिया में हर इंसान जो जी रहा है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है. पर वो कहाँ मिलेगा, आप गूगल कर लीजिए. मैं आपकी दादी ने जो अपने जीवन में सीखा होगा रिश्तों के बारे में, वो मैं नहीं पा सकता. वो जो विजडम है, वो जो सोच है, वो जो लर्निंग्स हैं, वो जो उद्देश्य हैं जिनसे एक इंसान पूरी ज़िंदगी जीता है, वो कहीं ना कहीं उसी इंसान में दब के रह जाती हैं या परिवार के जो लोग सुनना चाहते हैं उन तक पहुंचती है. अफगानिस्तान की एक लड़की जो आज कोशिश कर रही है कि अपना नया घर अपने ससुराल वालों को किस तरीके से रिझाए, किस तरीके से पिरोए, किस तरीके से सजाए, वो शायद मेरी माँ की कहानी सुनकर उससे प्रेरणा लेकर बहुत बेहतर सीख सकती है जी. पर उसके पास वो न साधन है, न वो जुड़ाव है जी. कि उसे पता चले कि देहरादून में भी किसी महिला ने ऐसा काम किया. तो मैंने 17 साल की उम्र में प्रोजेक्ट फ्यूल इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया कि दुनिया में हर इंसान, ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत फेमस या बहुत अमीर आदमी बने, एक अच्छी ज़िंदगी जीना, उस ज़िंदगी का सार बटोरना और वो सार दूसरों के साथ बांटना हर इंसान के लिए काफ़ी होना चाहिए ये सोचने के लिए कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए. तो पिछले 10 सालों में करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने विश्व भर में, चाहे वो सीरियन रेफ्यूजीज़ हों, चाहे वो नेपाल में भूकंप के बाद सर्वाइवर्स हों, या देह व्यापार में झुलसी महिलाएँ हों, भारत के वीर जवान हों, अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के जो लाइफ लेसन्स हैं, जीवन की सीख हैं, उनको इकट्ठा किया है. और लोगों के लाइफ लेसन्स को मैं पढ़ाता हूँ विश्व भर में. और बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं गप्पे मारने के,
और हर इंसान दुनिया में चाहता है कि वो बताए दूसरों को कि उसकी जिंदगी में क्या क्या घटित हुआ और कैसे उन घटनाओं से उभर कर उसने अपनी जिंदगी की नज्म को संवारा, और फिर किसी ने अगर फुर्सत में 2 मिनट रुक के पूछ लिया तो सुना भी दिया। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट फ्यूल के साथ साथ 10 साल हो गए पिछले महीने मुझको, और मुहिम जारी है, काम जारी है, उसके तहत हम गांव पेंट करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी पोइट्री को सबसे ज़्यादा जो मजबूत जड़ें हैं वो उसी काम में मिलती हैं, क्योंकि मैंने इतने लोगों के साथ बैठकर बातें की हैं, उनको सुना है, कि जब आप उनके साथ उठकर वापस लौटते हैं तो आप चीज़ें खोजते हैं, आप जरिए खोजते हैं वो बात समझने की, संभालने की और दूसरों तक पहुंचाने की, और नज़में एक बहुत खूबसूरत माध्यम है उस बात को दूसरों तक कहने का। बिल्कुल। सो कोई, क्योंकि आपने इतने लोगों से बात करी, कोई एक ऐसा एनेक्डोट, कोई कहानी, कोई घटना याद आती है जिसका बहुत इम्प्रेशन रहा हो आप पे, जो किसी ने शेयर करी हो और उसका बहुत इम्प्रेशन हुआ हो आप पे, आपकी पोइट्री पे? जी, इनफैक्ट आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा एक नज़्म से। जी। सीरिया के एक 14 साल के बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, और जब मैं उससे मिला तो सबसे खासी बात ये थी कि उसने कहा कि मेरे परिवार के 42 लोग मैंने सीरिया के जो है हमले में खोए हैं, और सबसे ज़्यादा दुख उसे जिस बात का था वो ये था कि उसकी माँ उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी और अपनी माँ से गुड बाय तक कहने का वक्त उसको नहीं मिला। तो वो कहता था मुझसे बार बार, जब हम मैं उससे बात कर रहा था तो मुझसे अक्सर कहता था कि ऐसा लगता है कि एक बुरा सपना है, इट्स अ बैड ड्रीम, यू नो, एंड आई एम गोइंग टू वेक अप, मैं जागूंगा और सब नॉर्मल रहेगा, मैं अपने घर में होऊंगा, सब आसपास। हमारे यहाँ बड़े होते हुए ये बात कहते थे कि जब सपने में किसी को मरता देखो तो अच्छा होता है, शुभ होता है, उनकी जिंदगी बढ़ती है। तो इन दो अलग अलग परिस्थितियों को जोड़ती हुई एक नज़्म है जिसका नाम है एक बुरा सपना, और ये डेडिकेटेड है उसी 14 साल के लड़के को जिससे ये प्रेरित है, कि कल एक बुरा सपना देखा, कल एक बुरा सपना देखा, कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सी आई, फिर लोग आए दौड़े दौड़े, हम सबको बाहर भागने का फरमान सुनाया, बाबा ने मुन्नी को लपेटा एक बाह में, दूसरे से थामी मेरी कलाई और आवाज लगाते दहलीज फांदी, हामिदा जल्दी निकलो। घर के बाहर चौक की जानिब एक हुजूम लोगों का जमा हुआ था, सब पुतलों से खड़े थे, हर लम्हा जैसे थमा हुआ था, सहमे हुए थे जो भी बड़े थे घर के, और बच्चों का रोना घोट रहे थे, बूढ़ी दादी मेरी जोड़ों के दर्द से दांत कीट कर खड़ी थी, बाबूजी उनके आंसू पोंछ रहे थे। मैं अब भी अपनी नज़र टिकाए अपने घर को ताक रहा था, माँ अब तक बाहर क्यों नहीं निकली, घड़ी घड़ी फिर झांक रहा था, माँ बमबारी शुरू हो गई, बाहर आओ, माँ दौड़ी हाथों में मुन्नी और मेरे स्कूल का बस्ता दबाए, सोचकर शायद हमारा आने वाला कल किताबों की छाया में बच जाए। इससे पहले कि मैं माँ से मिल पाता, एक मिसाइल दाखिल छत से हुई घर में और एक आग का गोला सब कुछ निगल गया, माँ दीवारों के मलबों जैसी बिखर गई और पल भर में ही दुनिया सारी पिघल गई। पर सुना है ख्वाब में किसी को मरते देखो तो उसकी उम्र लंबी होती है, मैं सपने में ही समझ गया था बुरा सपना है ये, क्योंकि अभी तो माँ ने हाथों से खीर खिलाई थी, अभी तो माँ ने आंगन की तंदूर बुझाई थी, आंख खुली तो पाया खुद को टर्की के रेफ्यूजी कैंप में, बाबा ने मुन्नी को लपेटा हुआ है एक बाह में, बूढ़ी दादी मेरी जोड़ों के दर्द से दांत कीट कर खड़ी है, बाबा उनके आंसू पोंछ रहे हैं, माँ कहीं नहीं है आसपास, पर सपना होगा शायद एक बुरा सपना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुझे ये सुन के सीमाब अकबराबादी साहब का एक शेर याद आता है कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। सो और पोइट्री पे ही मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहूँगा और फिर हम आपकी और नज़में सुनेंगे।
एक ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ सी आ गई है ओपन माइक्स की, जगह जगह आए दिन कोई ना कोई ओपन माइक हो रहा है और बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, लिख रहे हैं। हर कविता के दो पक्ष हैं, कला पक्ष है, भाव पक्ष है। उनका भाव पक्ष तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है लेकिन कला पक्ष उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि कोई एक वजह है जिस वजह से कविता बाकी गद्य से अलग है, और वो ग्रामर अगर मिसिंग है तो फिर शायद वो कविता नहीं है, फिर वो गद्य ही है, वो पद्य नहीं हो सकता। तो ये जो ओपन माइक्स की फ्लड है और जिसमें इतने सारे लोग वो ख्वाब देखने लगे हैं कि मैं भी पोएट हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? और कविता क्या है, मतलब क्या होना ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक्सप्रेस कर देना आपके हिसाब से कविता है, या कहीं कुछ कला पक्ष का ध्यान रखना भी ज़रूरी है? ये सवाल बहुत अहम है, खास करके आज की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि आजकल हर इंसान, एक दौर था जब हर DSLR कैमरा जिसके पास था वो फोटोग्राफर था, आज के ज़माने में हर आदमी जो इंस्टाग्राम में कैप्शन लिखता है वो पोएट है, और भाई उनकी सहमति है तो शायद होंगे भी। मुझे एक शेर याद आता है कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजाए हुए हैं फलों की दुकान पर। तो मुझे लगता है कि जब सिर्फ आपको छिलका ही मिलता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग बात हो जाती है, क्योंकि फिर वो धोखेबाजी है। पर अगर आप छिलका उठा के देखें और थोड़ा सा मांस मिले जिसमें रस भी है, मिठास भी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं एक बात कहने के लिए जो आपको अपना भाव और अच्छी तरीके से व्यक्त करने की ताकत देती है जी। तो मुझे लगता है कि फिर आप चाहे ग्रामर कम ही लगाएं पर लिख लें जी। क्योंकि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, शायद किसी और को अपनी बात कहने के लिए एक रास्ता खोलेगा जी। तो मैं आज के ज़माने में जो इंसान कहता है मैं पोएट हूँ, मैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो इज्जत ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ाएगी उस छिलके में मांस भरने की। अगर आप उनको कम करेंगे और धिक्कारेंगे धुतकारेंगे तो वो वहीं थम जाएगा, और न वो इंसान बढ़ेगा, न पोएट्री बढ़ेगी, न कहने वाले बढ़ेंगे। तो जब भी मुझसे कोई कहता है मैं लिखता हूँ, मैं कहती चलिए सुना दीजिए। बहुत कम होता है कि बहुत अच्छे लोगों से सुनने का मौका मिले और फिर जब लोग सुनाएं तो फिर वो समझें इसमें चार शब्द ज़्यादा हैं। ये बात मैं दोबारा किसी को सुनाऊंगा तो शायद चार शब्द कम करके सुनाऊं, या इस बात को नए तरीके से सुनाऊं। और अगर आप देखें तो हम सब ही कवि हैं, हम लिखें ना लिखें वो बात अलग है, हम अच्छे से कहें या ना कहें। हर माँ खाना बनाती है, कुछ माएँ शेफ बन जाती हैं, पर खाना तो सारी माएँ बनाती हैं। मैं पोइट्री भी यही समझता हूँ कि मशहूर कवि अच्छे शेफ्स हैं, पर कहीं ना कहीं खाना बनाना सब जानते हैं, खाना सब जानते हैं। तो अच्छा है, लोगों को इस भ्रम में जीने दीजिए, उन्हें और संवारिए ताकि ये भ्रम कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई बन जाए, और फिर हम एक ऐसे दुनिया में रहें जहां हर इंसान अपनी बात को कोशिश कर रहा है एक नए खूबसूरत और पोएटिक नज़रिए से कहने की। तो उनको कम करना मेरे ख्याल से समाज की सुंदरता को कम करना है कि जैसे आपने कहा आप पोएट हैं, आप देखिएगा सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एक बात को थोड़ी और अच्छी तरीके से कहने की, एक अदब आ जाता है, एक जिसे कहते हैं एक सेंसिटिविटी आ जाती है कुछ कहने की। मेरी एक कविता है, छोटी सी कविता है इस किताब में, कि कागज में भर कर शब्दों के लोग गोता खाने को हम बेताब रहते हैं, कागज में भरकर शब्दों के लोग गोता खाने को हम बेताब रहते हैं, डूबने पर ही ये मालूम होता है ए दोस्त कि उभरने में ही नहीं मजा ए दोस्त, डूबने पे ये मालूम होता है कि समंदर के अंदर भी महताब रहते हैं। तो उन समंदर के अंदर के महताबों को खोजने के लिए लोगों को कोशिश तो करनी पड़ेगी। और कोई अगर आपसे कहे मैं कवि हूँ, इज्जत दीजिए, कहे मैं अच्छा कवि हूँ तो फिर थोड़ा शक कीजिए,
एडजेक्टिव्स काम किया जाना चाहिए तो फिर शक कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. इसी में मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि जब आ गई है तेरी याद तो शेर कहने लगे, किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे. जब आ गई है तेरी याद शेर कहने लगे, ना देख इस हिकारत से हम शायरों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे. बहुत खूबसूरत. सो अब हम आपकी और आपकी नज़में सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, हम आपकी कुछ और नज़में सुनना चाहेंगे जी. अगर आप हम लोगों के लिए रिसाइट करें प्लीज़. बिल्कुल. मैं एक्चुअली अक्सर कोशिश करता हूँ कि अपनी कविताओं में कॉन्वर्सेशनल चीज़ रखूँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं अगर मैं उन्हें बहुत जिसे भारी कविता कहते हैं वो सुनाऊँ तो वो कभी जुड़ेंगे ही नहीं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही बात कहूँ उसी आम अंदाज में कहूँ जिसमें मैं सुनता हूँ समझता हूँ. हाँ ये है कि प्रेरणा लूँ हर आसपास की चीज़ों से. तो ये कविता है जिसका नाम है दोनों खिड़कियाँ, और बात प्यार की है, रिश्तों की है, बट एक नए दृष्टिकोण से है. वो दोनों खिड़कियाँ जुड़वा बहने हैं, वो दोनों खिड़कियाँ जुड़वा बहने हैं, और दोनों को इसी बात से तकलीफ है. बचपन से आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ दोनों का, मसले किस तरह बढ़ते गए हैं पूछिए मत. हर छोटी बात पे लड़ती हैं, घर की मालकिन अगर पहना दे एक को नए पर्दे तो दूसरी सारा दिन सिसकियां भरती है कुड़ती है. हवा से शिकायत करती है और खड़खड़ाकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, वहीं दूसरी मामला शांत करने की बजाय रेशमी फ्रॉक सा उड़ाती है पर्दा, उसी हवा के सहारे मौज करती है, उसे और चिढ़ाती है. पर दोनों हमेशा से इतनी लड़ाकू नहीं थी. 4 बरस पहले जब गली के किसी बच्चे की गेंद जा लगी थी एक को, तो दूसरी की जान हथेली में आ गई थी. बड़ी डांट लगाई थी उसने सबको, बहुत कोसा था. फिर शरारत के नाम पर पिछली दिवाली सरक कर चुपचाप पैरों के नीचे से धाड़ से गिराया था पुताई वाले को, कुंडियां बजा के खूब सी थी. अब यही याद करेंगी एक दूसरे के बारे में जैसे ही सावन गुजरेगा. सुना है घर वाले एक को तोड़कर दरवाजा बना रहे हैं, एक को विदा कर रहे हैं. लॉन में आना जाना आसान होगा बड़ी मालकिन कह रही थी पड़ोसी से. लॉन में आना जाना आसान होगा बड़ी मालकिन कह रही थी पड़ोसी से, और शायद हो भी जाए सहूलियत, पर अकेले उस लॉन को ताकना बड़ा मुश्किल होगा उस दूसरी जुड़वा खिड़की के लिए. रिश्ते कितने ही कड़वा क्यों न हों, उनके जाने के बाद हर चीज़ पहले सी नहीं रहती. उनके जाने के बाद हर चीज़ पहले सी नहीं रहती. सबसे खूबसूरत रंग जो मुझे लगता है हर रिश्ते में वो है बिरहा का. और बिरहा का इसलिए क्योंकि जो बात मैं आज कह रहा हूँ अपनी कविताओं में या जो आप कह रहे हैं, वो मिर्ज़ापुर में बैठी एक औरत जिसका पति ट्रेन पकड़कर अभी अभी बिहार से निकला है किसी बड़े शहर में नौकरी पाने के लिए, उसने आज से 1932 में भी वही बात कही थी अपने अंदाज में, अपने फोक रंग में. तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि देखूँ कि वो दोनों जो नैरेटिव्स हैं, वो जो दोनों कहानियाँ हैं, वो आपस में कैसे जुड़ती हैं. तो 1932 में एक गीत है जो मिर्ज़ापुर में मिला रिसर्च के दौरान, और गाना है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन हाय रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन हाय. जौन टिकसवा से सैया मोरा जईबे, सैया जईबे गुइया जईबे. जौन टिकसवा से सैया मोरा जईबे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन. कि जिस प्लेटफॉर्म से मेरा प्रिय जा रहा है ऐसा पानी बरसे कि गल जाए प्लेटफॉर्म और ट्रेन निकल ही ना पाए. जौन सहरवा को सैया मोरा जईबे, आगी लागे सहर जल जाए रे. और पूरे गीत में वो कह रही है कि ये दुख जो है, मतलब जमाने को मेरी नजर लग जाए.
और मेरी एक कविता है जो मुझे उस गीत से काफ़ी जोड़ती है, और उसका नाम है, नज्म का उन्वान है 365 दिन। फिर से साल के 365 दिन बिना तुम्हारे निकल गए हैं, फिर से साल के 365 दिन बिना तुम्हारे निकल गए हैं, वक्त की गहरी खाई में 12 महीने फिसल गए हैं। होते हैं एक अकेले इंसान को कितने काम, आओगे तो जानोगे। होते हैं एक अकेले इंसान को कितने काम, आओगे तो जानोगे। खाली घर काटने को दौड़ता है मेरा यकीन कब मानोगे। तुम होते तो कहती तुमसे, सुनो छत से बारिश उतार लाओ, आंगन में धूप बिछाओ, कमरे की दीवारों को हवा लगा दो, सीलन चढ़ गई है घड़ी को मरम्मत करवा दो, झाड़ दो खिड़की की धूल, मुंडेरों को सींच दो, चुपता है कमरे का अंधेरा, मेरे लिए आंखें मीच दो। और हो सके अगर तो इस चांद की पलकें ढक देना, या बहाना नया बनाकर मुझको फिर से कोई खत लिखना। मैं खत के पन्ने पलट पलट कर फिर से सारे दिन गिनूंगी, मैं खत के पन्ने पलट पलट कर फिर से सारे दिन गिनूंगी। गुजर गया है एक और साल तुम्हारे बिन, सोच के तुमको याद करूंगी, सोच के तुमको याद करूंगी। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जब पढ़ पाता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत अविश्वसनीय सी बात है कि आपके जहन में एक बीज की तरह एक ख्याल आया, फिर पनपा एक पौधे के रूप में, नज्म के रूप में, और फिर लोगों तक आपको उसकी पहुँचाने की, उसकी महक बांटने की, जो फूल उसमें खिला उसका अवसर मिला। और ये जो लम्हा है जो आपने आज शाम निकाल कर यहाँ बैठकर हमको दिया है, सिमिलरली आपका और मेरा भी, ये लम्हा हमसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी ताकत, कितना भी पैसा दुनिया का लगा लें, हमने जो यहाँ बांट लिया है पिछले कुछ मिनटों में, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। तो इस गीत और इस नज्म की जो बात है वो है, वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वक्त की कलम से कितना कुछ लिख गया है, वो या तो खो गया है या बिक गया है। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो लम्हा चाहता तो दूरियां मिटा सकता था, एहसास ना सही कम से कम आरजू जगा सकता था। वो लम्हा चाहता तो दूरियां मिटा सकता था, एहसास ना सही कम से कम आरजू जगा सकता था। खैर जो उसकी फितरत थी उसमें शरारत थी, हाथों से फिसल जाना वक्त की पुरानी आदत थी। वो रूठा भी नहीं था जो मान जाता तेरे या मेरे मनाने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वो लम्हा यकीनन याद बन जाएगा, रह रह के याद आएगा, लाएगा हंसी होंठों पे तो आंखों में आंसू भी लाएगा। वो लम्हा यकीनन जख्म बन जाएगा। तुम कहते हो तुमने दे दिया, पर जिसको दिया उसके पास अब तक नहीं पहुंचा। वो कहता है उसने वापस कर दिया, पर वो लम्हा मेरा अब तक घर नहीं लौटा। मैं जानता हूँ वो लम्हा ठहरा हुआ है हम दोनों के बीच बहाने से। वो लम्हा जो तुमने दे दिया किसी को, वो न लौटेगा तुम्हारे बुलाने से न मेरे चाहने से। वो एक लम्हा। और अगर आप चाहें कुछ खास सुनना तो आप बता सकते हैं मुझे भव्य। कुछ भी जो आप पढ़ना चाहें इसमें से, एक बहुत छोटी सी चांद वाली। अच्छा, तो जरूर पढ़ दीजिएगा। आप पहले जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ लीजिए, फिर वो जरूर पढ़िएगा। जी, एक एंड चोंच मारती जिंदगी, चोंच मारती है। जी चलिए फिर उसी से शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हर कवि की जिम्मेदारी होती है कि जो बातें कही जा चुकी हैं उनको आप कितने नए नज़रिए से कहें, और वो जिम्मेदारी वाजिब भी है, और मेरे ख्याल से वही है जो कहीं ना कहीं एक नयापन लेकर आती हैं। और क्योंकि आपको ये कविता पसंद है तो चलिए मैं आपको डेडिकेट करते हुए सुनाता हूँ। जिंदगी चोंच मारती है, जिंदगी चोंच मारती है, बेहद बेरहम होकर बेहिसाब बार जिंदगी चोंच मारती है। वक्त के पिंजरे में बंद सब मुर्गे अपने जाने का इंतजार कर रहे हैं,
वक्त के पिंजरे में बंद सब मुर्गे अपने जाने का इंतजार कर रहे हैं और आंखों में उम्मीद लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सोचकर कि कोई तो बचेगा, किसी की तो जान बख्शी जाएगी। पिंजरे में किसी के भी चलने पर उठकर चल देते हैं उसके पीछे, अपनी पहचान बनाने के लिए खड़े होते हैं वो भी झुंड में। आज़ादी की सीमा लांघते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं या अपना ही दिल तोड़ते हैं। भूल जाते हैं कि जिंदगी चोंच मारती है, घायल गुमसुम गुमनाम अंधेरों में छोड़कर बेहोश हर सुबह फिर उगते सूरज के साथ बांग भरती है ताकि फिर चोंच मार सके फिर से दोबारा। ये एक दूसरा पहलू है। मैं अक्सर जो कविताएं हैं वो मैं इंस्पिरेशन को ग्लोरीफाई नहीं करता। लोग सोचते हैं आप पहाड़ों में हैं, आप किसी बहुत सुंदर घर में बैठे हैं तो आप अच्छी नज्म लिखेंगे। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो ट्रैफिक में नज्म लिखते हैं, मैं खुद उनमें से हूं। मुझे लगता है कि जितना हम आज के ज़माने में इंस्पिरेशन को प्रेरणा को ग्लोरीफाई करते हैं ग्लैमराइज करते हैं, उतना ही इंसान जो लिखने की चाह रखता है वो उससे दूर होता है। उसे लगता है अगली छुट्टी में जब हिमाचल जाऊँगा तब अच्छी कविता लिखूँगा, अभी कुछ भी चलेगा। तो ये जो मैंने आपको कविता सुनाई या जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत खूबसूरत फोटोग्राफर हैं विभोर यादव जी, उनकी तस्वीरों से प्रेरित कविताएं हैं। अच्छा। और हर इंसान एक अहम फैसला लेता है हर रोज़। सबसे मुश्किल फैसला हर कवि के लिए है कि डिसाइड करना कविता कहाँ ख़त्म हुई, कुछ और कहना बाकी है या आपने फैसला ले लिया कि यही नज्म है। तो ये कविता है दिन ढलने को है, दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया, कुछ और वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ या अब तुम्हें खोना चाहता हूँ मैं। दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया, कुछ और वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ या अब तुम्हें खोना चाहता हूँ मैं। यूं ही समेटे खुद को रखूँ या बिखर कर रोना चाहता हूँ मैं। दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया, धूप सुनहरी मांगूं अपनी खातिर या बेमौसम बारिश में नाचूं, हंसी छिड़क दूं जरा हवा में या टप टप बहते आंसू बांटूं, समझ नहीं आता खुद से दूर चला जाऊं कहीं या अपनी ओर भागूं। दिन ढलने को है और मैंने अब तक फैसला नहीं किया कि रिश्ते जो सड़ गए हैं सीने को जकड़े हुए हैं उन्हें उतार कर फेंक दूं कि रखूं कुछ और देर पनपने दूं, दर्द जो हो रहा है इसकी आदत ढूंढ लूं, इसकी आदत डाल लूं या कोई तरकीब ढूंढ लूं इसे मिटाने की। जीने का ये जो शौक है इसके साथ कुछ दिन और निभा लूं या छोड़ दूं अभी। देखो ना दिन ढलने को है और मैंने आज अब तक कोई अहम फैसला नहीं किया। क्या बात है, वाह 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 वाह। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि कुछ दो नज़में आई थिंक पूरी कर सकते हैं। जब मेरी किताब बाहर आई तो सबसे खूबसूरत रिव्यू किताब का जो किसी ने लिखा था जिसको मैं अक्सर पढ़ता हूँ, वो ये था कि दीपक रमोला की किताब में आप पढ़ तो प्यार के बारे में रहे हैं जी, पर प्यार मोहब्बत इश्क शब्द का इस्तेमाल सबसे कम है। और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे अपने बारे में कुछ नया जानने को मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी हवाले से ये नज्म है, इसका नाम है अगले जन्म। मुझे गम जरा भी नहीं इस बात का कि इस जन्म हम साथ जी न सके, मुझे गम जरा भी नहीं इस बात का कि इस जन्म हम साथ जी न सके, बल्कि हुई है मदद बहुत तुम्हें समझने में इस मर्तबा। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, लाल रंग में क्यों दिलचस्पी है नीले में क्यों नहीं, देखती हो डूबते सूरज को बिना भूले सब काम छोड़कर एक टक झीनी सी मुस्कुराहट चेहरे पे लिए, जाती कुछ राबता था तुम्हारा उससे इतना तो मैं समझ गया हूँ। पढ़ा था तुम्हारी ही डायरी में मैंने एक बार, हर अलविदा को एतबार और प्यार से निभाना चाहिए, न जाने कौन सी रात रुखसत हो जाए बदन से रूह, सूरत से अगली सुबह मिलने का मौका ही न मिले।
तुम्हारी आदत थी वो एक शब्द बार बार कहने की, तुम दैट्स राइट कहा करती थी हर बात के आगे हर बात के पीछे, तुम्हारी आदत थी वो एक शब्द बार बार कहने की, तुम दैट्स राइट कहा करती थी हर बात के आगे हर बात के पीछे, जन्मदिन पर अगली बार मैं मांग लूंगा खुदा से तोहफा, दैट्स राइट बन के ही जन्मूंगा, इसी बहाने लफ्ज बनकर रहूंगा लबों पर तुम्हारे आखिरी सांस तक। ये उम्र निकल गई दलीलों में शिकायतों में तुम्हें पाने में गवाने में, ये उम्र निकल गई दलीलों में शिकायतों में तुम्हें पाने में गवाने में, मानो होमवर्क था किसी बड़े एग्जाम से पहले का ये जन्म, मानो होमवर्क था किसी बड़े एग्जाम से पहले का ये जन्म, अच्छा हुआ जो निपट गया, आएगा इश्क का इम्तिहान अगले जन्म जब मैं अव्वल नंबरों से पास हो जाऊंगा, आएगा इश्क का इम्तिहान अगले जन्म जब मैं अव्वल नंबरों से पास हो जाऊंगा, मैं 100 में से 100 तुम्हें पूरा जीत जाऊंगा अगले जन्म। क्या बात है। वाह। सो अब हम अगर आप में से कोई जना कुछ पूछना चाहता है दीपक से, सो इट्स ओपन टू यू नाउ, कोई भी सवाल या कोई खास नज़्म अगर आपने पढ़ी हो और वो आप सुनना चाहते हो दीपक से। जी जी स्वाति। हेलो सर, प्रोजेक्ट फ्यूल का एक वीडियो मैंने सबसे पहले देखा था मुक्ति धाम के बारे में, सो उसका मतलब एक इलैबोरेटिव व्यू पॉइंट जो आपने वीडियो में नहीं दिया है, सो डू यू वांट टू शेयर इट। जी जिस बाकी की ये बात कर रहे हैं, मुक्ति भवन बनारस में एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं, और हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर आप अपनी आखिरी सांस बनारस में लें तो मोक्ष मिलता है, और मुक्ति भवन जो है मैंने वहाँ 10 दिन बिताए, और जो लोग, मुक्ति भवन की खासियत ये है कि आपको सिर्फ 2 हफ्ते दिए जाते हैं रहने के लिए, तो आपको बड़ा श्योर होना पड़ता है कि आप 2 हफ्ते में मरने वाले हैं, अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो आपको चेकआउट करना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ था तो जिंदगी और मौत का एक खूबसूरत मिश्रण मैंने देखा, और उन लोगों से सीखा जो ना सिर्फ मौत से मौत के इंतज़ार में थे, बट कि एक टाइमर के साथ मौत के इंतज़ार में थे कि भाई 6 दिन बचे हैं, और वहाँ ज़िंदगी को एक नएपन से जीने की जो खुशी थी वो मैंने सीखी, वहाँ के लाइफ लेसन सीखे। और इनफैक्ट इस किताब की जो आखिरी कविता है, आप जो एलैबोरेट चीज़ पूछ रही हैं वो उसका सार है उस एक्सपीरियंस का, और वो इस कविता में है। जितने भी लोगों से मैं मिला, करीबन 3 लोग वाकई 2 हफ्तों के अंदर वहाँ गुजर गए, तो काफ़ी एक्यूरेट थे वो अपने अपने जीवन को लेकर, और उनसे सीखी हुई बातों को इसमें पिरोते हुए एक लाइफ लेसन को परोस रहा हूँ आपकी तरफ, कि अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम, अंधाधुंध मुसीबतों से सना हुआ संजीदा एक गम, ख्यालों में आज़ाद शब्दों की गिरफ्त में एक नज्म, यादों की वीरान गली में पीछा करता पुरानी पहचान का साया, एक खेल जिसमें जितना जीते हम उससे कहीं ज़्यादा गवाया, सख्त हाथों और नर्म दिलों की कश्मकश, झूठे दिलासों का तसव्वुर एक चुपता हुआ सच, दबी दबी सी मुस्कुराहटें बेझिझक चीखता हुआ डर, बड़े खामखा हैं इसके झगड़े, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, बेनजीर मुसाफिरों का एक कारवां, रिश्तों से सराबोर एक रोशन जहां, बेनजीर मुसाफिरों का एक कारवां, रिश्तों से सराबोर एक रोशन जहां, लड़खड़ाते हुए हौसलों का हुजूम, जगमगाते ख्वाबों की महफिल, किसी के लिए हर पहर आसान, किसी के लिए हर घड़ी मुश्किल, कुछ पाने की मुसलसल एक चाह, रंजिशों से बेखबर एक गुनाह, ज़रा सी मोहलत ज़रा सा इंतज़ार, लबों पे ठहरी हुई नादान एक फरियाद, सर से पांव तक है पेचीदा सवालों में तर, निकाले 1000 नुक्स जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है मगर। तो जिस भी शख्स से मैं मिला जो अपने डेथ बेड पे था, और जो वहाँ के मैनेजर हैं भैरवनाथ शुक्ला,
44 ईयर्स से मैनेजर हैं, 12,000 लोगों को मरते हुए उन्होंने देखा, और उन सब का जो सारांश है वो यही था कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने तनाव में, अपने तंज में जी। मुश्किलें हैं, पर उन मुश्किलों में आपको मंजर ढूंढने हैं खुशी के, और जब आप जीवन की उस अंतिम घड़ी पर पहुंचे तो फिर पलट के देखें तो चेहरों की एक झलकी हो, एक झांकी हो उन रिश्तों की जो आपने निभाए हैं, और एक यकीन हो कि जिंदगी वाकई खूबसूरत थी और रहेगी उनके लिए जो आपके बाद आने वाले हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। से एक छोटा सा दोहा जो कभी मैंने लिखा था वो याद आता है दीपक ईशा, कि सारी दिशाएं दौड़ते ना चलता कोई जोर, आखिर में जाना पड़ा सबको एक ही ओर। बहुत खूब, बहुत। कोई और सवाल अगर? जी जी, मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जी मैम। दीपक रमोला जी, इज रमोला योर मदर्स नेम और योर सरनेम, नंबर वन। नंबर टू, आप जो वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं, इतनी सारी कंट्रीज में जाते हैं, तो आर यू अ मल्टीलिंगुअल पर्सन? कौन सी लैंग्वेजेस, कौन सी भाषा में होल्ड करते हैं और क्या सिखाते हैं उन वर्कशॉप्स में? आई वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। जी, रमोला जो है वो मेरे मेरा सरनेम है, फादर की तरफ से है, पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे 18 साल की उम्र में पता चली कि रमोला के दो मतलब हैं, एक चार्मिंग, दूसरा वो इंसान जिसे दूसरों की कहानी में दिलचस्पी है। oh, wow. तो मुझे लगा कि पहले का तो पता नहीं, दूसरे में मुझे यकीन है। तो बड़े गर्व के साथ मुझे एक लाइसेंस मिल गया प्रोजेक्ट फ्यूल पे काम करने का, क्योंकि मैंने कहा भाई ये तो हमारे सर नाम में ही है, लोगों की कहानियों में दिलचस्पी लेना। वर्कशॉप्स में मैम मैं ह्यूमन विजडम पढ़ाता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी की जो सीख है उसको एक करिकुलम में ढालकर, वो करिकुलम मैं दूसरे देशों के बच्चों के साथ करता हूँ, और फिर कोशिश करता हूँ कि जो आपने सीखा है वो अपने नज़रिए में, अपने क्षेत्र में, अपने जीवन के अनुभवों में सीख सकें। तो इस तरीके से बेसिकली एक मेथडोलॉजी है जो मैंने डिज़ाइन की है, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। भाषा का ये है कि बहुत मुश्किल है सारी भाषाएं सीखना, उसके लिए भी ट्रेड सीक्रेट है, क्योंकि आप इतनी उम्र में मुझसे बड़ी है, मैं आपसे बांट देता हूँ। जब भी किसी नए देश में पढ़ाने जाता हूँ, बहुत कम समय होता है आपके पास कि आप जर्मन सीख लें या आपको नेपाली आ जाए। मैं बड़ी आसानी से उस देश का एक गाना याद कर लेता हूँ। तो जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ज़िंदगी के बारे में सिखा रहा हूँ या हम कुछ बात करेंगे आपके, मैं कहता हूँ मुझे गाना आता है आपकी भाषा में। तो अगर नेपाल में हूँ तो एक पुराना फोक सॉन्ग है उनका, वारी जमुना जमुना को भेद है माँ मनोकामना। तो जब आप पढ़ाने जाए, अगर आपके सामने कोई किसी दूसरे देश का इंसान गाए लग जा गले अपने एक्सेंट में, आपका दिल कहीं ना कहीं पिघलेगा। तो लोग थोड़ा सा माफ़ करने की गुंजाइश छोड़ते हैं। और फिर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्लास में ही किसी एक ऐसे इंसान को अपना ट्रांसलेटर चुनूँ जो उसको अब्सॉर्ब कर सके। तो मैं कभी एक्सटर्नल ट्रांसलेटर लेकर नहीं जाता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी पर्यावरण से कोई एक ऐसा इंसान रिप्रेजेंटेटिव बने जो उस बात को समझेगा भी और दूसरों तक उसको निखार कर पहुँचाएगा। तो जितने भी देशों में मैं गया हूँ, आज तक मैंने ना कभी ट्रांसलेटर के लिए ना इंटरप्रेटर के लिए पे किया है। रेफ्यूजी कैंप में भी आपको एक मिल जाएगा जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी के साथ बयां करे बात को। जी, हेलो दीपक जी। जी, बहुत अच्छा लगा ये सेशन अटेंड करके मुझे। जी धन्यवाद। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, सिंस यू आर ए मिलेनियल यंग बॉय, हाउ डू यू हैव सच ए ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन हिंदी लैंग्वेज, सिंस यू मस्ट बी सराउंडेड बाय द अर्बन स्लैंग। जी, बट स्टिल यू हैव सच एन इम्प्रेसिव ग्रिप ऑन द हिंदी लैंग्वेज, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे एक्चुअली अक्सर लोग चौंक जाते हैं, बट मुझे ये लगता है कि भाषा क्या है। भाषा न तो वोकैबलरी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ ट्रेन आ रही है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ट्रेन है, और वो इंग्लिश का शब्द है। लोहपथगामिनी तो मैंने आज तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना। तो भाषा वर्ड्स तो नहीं हो सकती, भाषा सिंटेक्स है। वो आ रही हैं, वो खा रहे हैं, जब तक वो सही है तब तक सब सही है।
और मेरे लिए हिंदी का महत्व मुझे लगता है, या खासकर पोइट्री में हिंदी का महत्व इसलिए है क्योंकि स्कूल में आप देखें पोइट्री को पनिशमेंट के रूप में यूज किया जाता है। होमवर्क नहीं किया, पूरी कविता कल याद करके आओगे, तो बच्चा बचपन से ही याद करने लग जाता है कि अच्छा अब तो काम नहीं करूंगा तो कविता याद करनी पड़ेगी। कवि क्या कह रहे हैं वो बोझ, मतलब कवि ने तो जो कहा ही उसके बाद आपको भी बताना है कवि क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि पनिशमेंट हो जाती है इस। और एक दूसरा जो परसेप्शन है वो ये है कि इफ इट डजंट राइम इट्स नॉट अ गुड पोएम। अगर आपका मीटर काफिया नहीं मिला तो आपने कविता क्या लिखी। मैं उस प्रेशर से अपनी क्लास 10 तक इतना परेशान था कि मेरा बेस्ट पीस ऑफ वर्क था देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन अ मैट ईटिंग अ रैट एंड दैट इज दैट। और मैं सोचता था वाह चारों लाइनों में काफिया है, इससे ज्यादा उपलब्धि क्या होगी जीवन में। जब पढ़ा जाना तो पता चला कि जरूरी नहीं है कि आपको वो रोती हैं और खोती हैं जोड़ना ही है किसी उसमें। और जैसे ही मुझे उस सोच से उस बंदिश से आज़ादी मिली, भाषा से प्रेम अपने आप जुड़ने लगा। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो किसी भी भाषा, सिर्फ हिंदी नहीं, किसी भी भाषा के प्रति इज्जत रखता है उसे वो आज़ादी पाना बहुत ज़रूरी है उन जज्बातों से, उन ख्यालों से और उस रूढ़ीवादी सोच से जिसने उस भाषा के चारों तरफ कांटों वाली तारें बिछाई हुई हैं। क्योंकि जब एक यंग इंसान भाषा सोचता है स्कूल में तो वो कहता है संस्कृत तो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़नी है, हिंदी तो सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़नी है और फिर उसके बाद उसे आज़ादी चाहिए उससे। पर अगर आप पहले ही वो दायरा उसके लिए हटा दें कि आप भाषा से प्रेम कर सकते हैं, आप भाषा से बहुत सारी नई चीज़ें कह सकते हैं और ये पनिशमेंट नहीं है, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे जी। तो हर भाषा के लिए सीखना आसान हो जाता है जब आप वो बंदिशें हटाएं। और मुझे सच में भाषा से बहुत प्रेम है, लोक जो हमारे डायलेक्ट्स हैं उनसे बहुत प्यार है और उनका रस मैं कोशिश करता हूँ मेरी नज़मों में रहे। और मेरे ख्याल से जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उतना आपका सिंटेक्स सुधरेगा और फिर आप आगे लिख सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। आप दीपक को सुन के मुझे लगता है कि जो दुष्यंत कुमार साहब का जो परंपरा है हिंदी कविताओं का, हिंदी गज़लों का, उसे आप आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके के सिंबल्स आप यूज़ करते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ, तुम किसी रेल सी गुजरती हो मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और मैं जानता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत लिखता हूँ इसलिए कि गज़ल में सीधी साधी ज़ुबान लिखना बहुत मुश्किल होता है आसान लिखना, और आप जितनी सरलता से और आसानी से बातें कह देते हैं ये बहुत काबिल तारीफ है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को भी अपना। धन्यवाद। और क्या कहूँ मैं, इतनी सारी अच्छी बातें हुई और इतनी सुंदर कविताएं हुई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विन्नी कक्कड़ जी का कि वो यहाँ पर आकर हमारे आज के पोएट और ऑथर को एक मोमेंटो दे, उन्हें ये मोमेंटो प्रदान करे। धन्यवाद दीपक रमोला जी आपका यहाँ पर आने के लिए। विनी कक्कड़ जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से है। विनी जी आप ही से वापस आग्रह करूंगी कि भव्य सोनी जी को भी हमारी तरफ से मोमेंटो प्रदान करें। धन्यवाद विनी जी। और दीपक, आज का इस लम्हा बीत जाने के बाद कुछ याद आए ना आए आपके ये शब्द ज़रूर याद आएंगे। प्रभा खेतान फाउंडेशन और वी केयर की ओर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स को, कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जयपुर मैरियट को और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को। आप सभी ये किताब लेकर दीपक से ऑटोग्राफ करवा सकते हैं। धन्यवाद।